नमस्कार प्रिय मित्रों, आज की हमारी परिचर्चा फायर ओपल के विषय में रहेगी। शुक्र का प्रिय रत्न फायर ओपल को लेकर के जितनी भी शंकाएं हैं, जितनी भी भ्रांत धारणाएं हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। जैसे सबसे बेहतरीन फायर ओपल इस दुनिया में किस देश से आता है, फायर ओपल को सिंगल फायरिंग में होना चाहिए या इसके दोनों तरफ यानी कि इसके डबल फायर होना चाहिए, फायर ओपल ट्रांसपेरेंस होना चाहिए या ट्रांसपेरेंस नहीं होना चाहिए, फायर ओपल की टेबल कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, किसी किसी ओपल में बहुत ज़्यादा फायरिंग होती है लेकिन उसकी टेबल मटमैली या उसमें ब्लैकनेस होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फायर ओपल किस धातु में पहनना चाहिए, समस्त प्रश्नों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या दोस्तों आप बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ से सभी प्रकार के रत्नों की अंगूठियाँ बनाकर सिद्ध पूजा पाठ करके देश विदेश में भेजी जाती है। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस दुनिया में सबसे जो बेहतर माइंस है फायर ओपल की, वह ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया का फायर ओपल इस दुनिया में सबसे अच्छी वैरायटी का आता है, उसकी फायरिंग कभी समाप्त नहीं होती। एक दूसरा ओपल आता है, इथोपियन उसको बोलते हैं, लेकिन उस इथोपियन पत्थर की जो फायरिंग है वह 2-2.5 साल के बाद में या 6 महीने के बाद में ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है और वह बिल्कुल बेकार हो जाता है। जब भी आप फायर ओपल खरीदें तो ऑस्ट्रेलिया के पत्थर का ही चुनाव करें। रही बात ट्रांसपेरेंसी की, ट्रांसपेरेंसी नीलम है, पुखराज है, गोमेद है, पन्ना है और रत्न है, उनमें इस बात का महत्व है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी है, उसमें आर पार कितना दिखता है। लेकिन फायर ओपल ट्रांसपेरेंस हो या ना हो, दोनों कंडीशन में वह समान रूप से लाभदायक होता है। डबल फायर और सिंगल फायर को लेकर बहुत सारे हमारे ग्राहकों के प्रश्न रहते हैं कि फायर के ओपल के दोनों तरफ फायरिंग होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर दोनों तरफ फायरिंग है तो सोने पे सुहागा, लेकिन चमचम चमाती हुई जो फायरिंग अच्छी क्वालिटी में है, यदि वह आपके टेबल पर है और बहुत अच्छी स्थिति में है तो उसके अंगूठी के पीछे की साइड में यहाँ पर फायरिंग हो या ना हो उसका बहुत महत्व नहीं है। ये यहाँ सामने की तरफ फायरिंग होनी चाहिए यहाँ पर। और अब बात कर लेते हैं इसके टेबल की, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिसको लेकर फायर ओपल की कीमत निश्चित होती है। उसके बाद में मैं आपको किन किन राशि वाले जातकों को पहनना चाहिए, पहनने की विधि वगैरह के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, फायर ओपल की टेबल जितना ज़्यादा क्लीन वाइट होगी, जितना ज़्यादा सफ़ेद होगी, वह रत्न उतना ज़्यादा प्रभावशाली, उतना ज़्यादा कीमती हो जाएगा। अगर ओपल की जो टेबल है वह मटमैली है या मिट्टी के जैसा उसका कलर है या ग्रे में है, मतलब वाइट से हट करके कहीं भी उसकी टेबल है, तो फिर वह रत्न उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रह जाता, क्योंकि शुक्र का रंग हमारे शास्त्रों में सफ़ेद बताया गया है, श्वेत वर्ण का बताया गया है। इसलिए वाइट टेबल वाला ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल सबसे अच्छा माना जाता है। अब जितनी कम वाइट टेबल होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी कीमत नीचे गिर जाएगी। तो दोस्तों, शुक्र का यह प्रिय रत्न देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कपड़े के व्यापारियों को बहुत लाभ करता है, जो दवाई के व्यापारी हैं उन्हें बहुत लाभ करता है, और जो लोग डांसर हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, जिनका काम सौंदर्य से जुड़ा हुआ है, जो ब्यूटी पार्लर वाले हैं, उनको भी यह रत्न बहुत ज़्यादा लाभ करता है। पति पत्नी में प्रेम संबंध स्थायी रहे इसके लिए भी फायर ओपल पहना जाता है। अपनी प्रेमी या प्रेमिका को आकर्षित करने के लिए और काम शक्ति को बढ़ाने के लिए भी फायर ओपल धारण करना चाहिए। विवाह में विलम्ब होने पर या मनोनुकूल वर या कन्या प्राप्त न होने पर भी फायर ओपल पहनना चाहिए। दोस्तों, यह रत्न विशेष रूप से वृषभ, मिथुन, तुला, मकर और कुंभ
इन राशि एवं लगन वाले जातकों को तो तुरंत लाभ करता है, लेकिन अन्य राशि एवं लगन वाले जातकों को भी अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर या अपनी हस्तरेखा अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर उसकी सलाह से यह रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। दोस्तों, धारण करने की विधि यह है कि शुक्रवार के दिन प्रातःकाल आप ज़्यादा से ज़्यादा श्री सूक्त के पाठ करें। श्री सूक्त के पाठ करने से देवी लक्ष्मी का निवास स्थायी रूप से हमेशा के लिए आपके घर में हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शुक्रवार के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से लेकर के एक घंटे बाद तक किसी भी टाइम में शुक्र की होरा रहती है। ओपल को कच्चे दूध की अंगूठी में आप डाल दें, मंत्र पढ़ें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, और इस मंत्र को पढ़कर 108 बार कम से कम या 5 मिनट कम से कम अंगूठी को ये इंडेक्स फिंगर या मध्यमा या सूर्य की उंगली, तीनों में से किसी में भी धारण कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद में सफ़ेद भोजन बनाकर पक्षियों को डाल दें और देवी लक्ष्मी के किसी भी बीज मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत तेज़ी से इसका फल मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको फायर ओपल से संबंधित सभी मुख्य मुख्य प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया। यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे किसी ऐसी ही वीडियो के साथ निकट भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।